गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 8 चैप्टर 3 ककड़ी की कीमत नहानी नामक कहानी के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग आप स्वयं करेंगे। अब ककड़ी की कीमत नामक कहानी को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। इस कहानी के लेखक चतुर्सेन शास्त्री जी ने बताया कि इस कहानी में रईस समाज का दिखावा प्रमुख है। अपनी झूठी शान शौकत बनाए रखना, दूसरों की अपेक्षा स्वयं को बड़ा रईस सिद्ध करना ही उनकी प्रतिष्ठा मानी जाती है। आज दिल्ली भारत की राजधानी और अपनी खूबसूरती की चकाचौंध को मात करने वाली नगरी है। नई दिल्ली जब बन रही थी उस समय पंजाब के गेहूं, उड़द एवं चना खाने वाले पंजाबी, सिख और सभी उत्साही लोग दिल्ली की ओर आए। उस समय वहां की ज़मीन बहुत सस्ती थी, किंतु आज दिल्ली की शान और शौकत देखते ही बनती है। शादी ब्याह एवं जुलूसों में भी लोग नए रंग ढंग से निकलते हैं। परंपरागत वेशभूषा तो समाप्त ही हो गई है। अब तो बारीक क्रेप की फैशनेबल साड़ियाँ, उन पर भारी कढ़ाई, बिना आस्तीन के जंपर, साथ में ऊंची एड़ी के रंग बिरंगे सैंडल जूते चांदनी चौक में देखते ही बनती है। उनके फैशन और चेहरे की साज सज्जा को देखकर अनायास ही हंसी आ जाती है। 38 वर्ष पूर्व दिल्ली की सड़कें कंकड़ की थीं। सड़क के दोनों ओर घने वृक्षों की छाया थी। सैकड़ों लोग उन घने वृक्षों की छाया में बैठकर अपनी थकान दूर करते थे। सब्जी तरकारियां जो पहले बिकती थी उसे दिल्ली के रईस लोग खाते थे। सस्ती होने पर वे उन्हें नहीं खाते थे। बसंत के मौसम में बाजार में पतली ककड़ियाँ बिकने लगती थीं, किंतु वे बहुत महंगी थीं। इसलिए उस समय रईसों के ककड़ी खाने का मौसम था। जवान कुंजड़ा सिर पर नारंगी साफा बेपरवाही से बांधे ककड़ी बेच रहा था। उसने टोकरी में केले के पत्तों और गुलाब के फूलों के बीच दो ककड़ियाँ रखी थी। वह नाजुक ये ककड़ियाँ ले लो की आवाज़ लगाता हुआ आ रहा था। पीछे से एक बूढ़े कहार ने उसे पुकारा। ककड़ियों को देखकर उसने कहा, केवल दो ही ककड़ियाँ हैं। युवक कुंजड़े ने उस ककड़ी की कीमत 54 बताया। इतने में पीछे से एक दूसरे पहलवान युवक ने आवाज़ लगाई कि 58 ले लो और ककड़ियाँ मुझे दे दो। अब बूढ़ा कहार और पहलवान युवक दोनों उन दोनों ककड़ियों के दाम एक दूसरे से अधिक देने को तैयार हो गए। कुंजड़ा छड़वर स्तंभित हो गया। इस प्रकार दोनों ककड़ियों के दाम 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये से बढ़ते हुए 100 रुपये तक पहुंच गए। बूढ़े कहार ने 100 रुपये में दोनों ककड़ियाँ खरीद लीं। युवक कहार क्षण भर घबराई दृश्य से बूढ़े कहार को देखने लगा। युवक लज्जा और क्रोध से भरकर चुपचाप वहाँ से चला गया। बूढ़े ने अपने मालिक लाला जगत नारायण के सामने फूलों और केलों के पत्तों में लिपटी ककड़ियाँ रख दी। उसने बताया कि ये दो ककड़ियाँ मैंने 100 रुपये में खरीदा है। इसके पश्चात उसने बाजार में घटी पूरी घटना सुना दी। प्रसन्न होकर जगत नारायण ने कहा, शाबाश मेरे प्यारे रामदीन, तुमने बाजार में
मेरी इज्जत बचा ली। इसके बाद लाला जगत नारायण ने चांदी की तस्सी में कवियों को उन्हें गुलाब के फूलों में रख कर उसे रुमाल से ढक कर बूढ़े राम जी से कहा, इसे प्रेम की सौगात के रूप में लाला शिव प्रसाद को दे आओ। कवियों को खरीदते समय बूढ़े कहार के साथ वह नवयुवक जिसने कपड़ियों का दाम बढ़ाकर लगाया था वह लाला शिव प्रसाद का नौकर था। प्रेम के इस सौगात को देखने के पश्चात अपने नौकर से सारी घटना सुनकर लाला शिव प्रसाद बहुत दुखी हुए। अपनी शानो शौकत का दिखावा करने के लिए लाला शिव प्रसाद ने पुरस्कार स्वरूप बूढ़े रामदीन को उसी तस्सी में अशर्फी फरता दी। किंतु अपमान के इस विष को लाला शिव प्रसाद बर्दाश्त न कर सके और उन्हें जहर खाकर अपनी जान दे दी। आइए अब इस चैप्टर के कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। विलायतीपन, पृथक, वृद्धि, वसुंधरा, अनगिनत, छुआछूत, प्रौढ़ाएँ, बेफिक्री, नुक्केदार, निमास्तीन, ललनाएँ, फैशनेबल, पर्दाफाश, सुसज्जिताएँ। मुसाहिबी, मझोलियाँ, विक्टोरिया, खमीरी, कैरियाँ, नजाकत, कुंजड़ा, गिलौरियाँ, सलेमशाही, सूफियानी, मिर्जई, दुपल्ली, ककड़ियाँ, भुजंडो, विजय गर्वित, स्तंभित, प्रतिष्ठा, कम खौब, अफजाई, अशर्फियों, सूर्योदय, प्रसिद्ध, इज्जत। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला, सही विकल्प चुनिए। दिल्ली के मकानों, सड़कों, चाल ढाल आदि में किस संस्कृति का दर्शन होता है? विलायती, विलायती में टिक लगाइए। ख, कौनियों के मोल, जमीन लेने का अर्थ है बहुत कम कीमत पर जमीन खरीदना, इस पर टिक लगाइए। ग, ककड़ी कौन बेच रहा था? कुंजड़ा, कुंजड़ा पर टिक लगाइए। बूढ़ा कहार किसका सेवक था? लाला जगत नारायण का, इस पर टिक लगाइए। अंगा, मोल भाव करना का अर्थ है वस्तु की कीमत कम करना, इस पर आप टिक लगाइए। श्या, बूढ़े के मालिक ने ककड़ियाँ किसे सौगात में भेजी? शिव प्रसाद को, इस पर टिक लगाइए। प्रश्न नंबर 3, किसने कहा, किससे कहा? लिखिए। क, सिर्फ दो ही रवे रखे हैं, बूढ़े कहार ने कुंजड़े से कहा। ख, अठन्नी ले लो जी और ककड़ियाँ हमें दे दो, पहलवान युवक ने कुंजड़े से कहा। ग, ककड़ियाँ 5,000 तक मेरे यहाँ जाएंगी, बूढ़े कहार ने नौयुवक कहार से कहा। घ, शाबाश मेरे प्यारे रामदीन, तुमने बाजार में मेरी इज्जत बचा ली, लाला जगत नारायण ने बूढ़े
कहा से कहा। अंगा, बाजार में मेरी किरकिरी हो गई, अब मैं दुनिया में मुंह दिखा नहीं सकता। लाला शिव प्रसाद ने अपने आप से। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।